हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड यूनिट का बचा हुआ टॉपिक एंट्रोपी एंड थर्ड लॉ पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने एंट्रोपी तो पता ही कर लिया कि एंट्रोपी क्या होती है। इट इज़ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी क्यू बाई डी टी। अब हम एंट्रोपी, एक परफेक्ट गैस की एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हैं। सपोज हम एक परफेक्ट गैस लेते हैं, 1 ग्राम परफेक्ट गैस, जो वॉल्यूम वी और प्रेशर पी और एट टेम्परेचर टी है। तो इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू डी यू बाय प्लस डी वी, जो फर्स्ट लॉ है। मगर हम जानते हैं कि डेल इंटरनल एनर्जी डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी, और डब्ल्यू होता है पी डी वी। इसको हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पुट करें तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। अगर एंट्रोपी एस है तो मैं इस इक्वेशन को टी से डिवाइड कराऊँ और फिर इसको इंटीग्रेट करूँ फॉर द होल सर टेम्परेचर, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, सी वी इंटीग्रेशन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस पी टी और डी वी। अब ये इक्वेशंस को मैं तीन चार फॉर्मेट्स में चेंज कर सकता हूँ। सपोज मैं इसको पहले टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में, इस इक्वेशन को टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में लिखना चाहता हूँ, तो मेरे को पता है कि पी वी इज इक्वल टू आर टी या पी, और इस इक्वेशन में मैं पी वी को लिख दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एस इज इक्वल टू सी वी लॉग टी प्लस सी पी माइनस सी वी लॉग ई प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारे पास आता है। अब हमें पता है कि सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, जो मेयर रिलेशन है वो मैं इसके अंदर डाल दूँ तो ये इक्वेशन बन जाती। अगर यही इक्वेशन जो हमने लिया था इसको टेम्परेचर एंड प्रेशर के रूप में लिखना चाहूँ, तो मेरे को पी वी इज इक्वल टू आर टी से शुरू करूँगा। इस इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट करूँगा, डिफरेंशिएट करने के बाद मैं इसमें क्योंकि मेरे को टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में लिखना है इसलिए मैं वी हटा दूँगा और ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा। टी वी की जगह मैं इसको लिख दूँगा, और इसको अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो ये आपको मैं इस स्लाइड में दिखा रखी है कि इन सारे को इक्वेट करते हुए अल्टीमेटली एस इज इक्वल टू, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी सी पी लॉग ई टी प्लस सी पी माइनस सी वी लॉग पी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमारी इक्वेशन ये वी टी और पी के बीच में जाए। इसी इक्वेशन को अगर मैं प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में लिखना चाहूँ तो वही इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी से शुरू करेंगे, और अब हम इसमें से इस इक्वेशन में से टी हटा देंगे। टी हटाने के पर ये आपको स्लाइड में सारे कैलकुलेशन दिखा रखे हैं, सी हटाने पर इक्वेशन मेरे पास आ जाती है सी वी लॉग ई पी प्लस सी वी लॉग ई वी प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो तीन इक्वेशंस जो मैंने कैलकुलेट की, ये इसके लिए किए कि एंट्रोपी ऑफ द गैस 0 टेम्परेचर पर 0 है, और इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है। और एक चीज़ और है कि ये मैंने 1 ग्राम ऑफ गैस के लिए था। अगर मेरे पास एम ग्राम्स ऑफ गैस हैं, ये मैंने यूनिट मास के लिए ये इक्वेशंस कैलकुलेट किए थे, अगर मेरे को इसमें एम ग्राम है तो ये जो भी सारे इक्वेशंस मैंने निकाले हैं इनको मैं सिर्फ एम से और मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारे पास सारे रिलेशंस वैसे के वैसे आ जाएंगे। इसी के बाद एक चीज़ और आती है कि एक थर्मोडायनेमिकल केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, एक हम केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर डिफाइन करना। कैरनॉट इंजन में हमने ये देखा था, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट देखी थी कि कैरनॉट में जो टेम्परेचर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ
प्रॉपर्टीज़ के जो वर्किंग सब्सटेंस जो हम काम में ले रहे हैं उसके इंडिपेंडेंट है, यानी हमारा वर्किंग सब्सटेंस कुछ भी हो, एफिशिएंसी सिर्फ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर्स पर ही निर्भर करती थी। अब ये टेम्परेचर, ये जो इसकी कर्नोट इंजन की जो प्रॉपर्टी है, कर्नोट इंजन की जो प्रॉपर्टी है, ये एक थर्मोडायनेमिकल स्केल ऑफ टेम्परेचर यानी केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, और केल्विन ने इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करने के लिए करते हुए एक थर्मोडायनेमिकल स्केल और बनाई थी, और उसने ये बताया था कि जो स्केल है आइडियल स्केल से मैच करती है। तो हम सपोज़ एक इंजन लेते हैं जो दो सोर्स और सिंक थीटा वन एंड थीटा टू टेम्परेचर्स के बीच में काम करता है, वो क्यू वन सोर्स से लेता है और क्यू टू एनर्जी सिंक को वापस दे देता है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो मैं इसकी एफिशिएंसी डिफाइन कर सकता हूँ एस एफ ए वन माइनस क्यू टू वन क्यू वन इज इक्वल टू, दिस इज़ अ फंक्शन नेचुरली ऑफ अ फंक्शन थीटा वन थीटा टू। तो मैंने एफ छोटा लिख दिया, और अगर मैं इसको, क्योंकि ये क्यू टू बाई क्यू वन है, और अगर मैं इसको क्यू वन बाई क्यू टू लिखूँ तो ऐसे हो जाएगा वन अपॉन वन माइनस एफ थीटा वन। और ये सपोज मैं एक और किसी और दूसरे फंक्शन के रूप में एफ इज इक्वल टू थीटा वन बाई थीटा टू डिफाइन कर सकता हूँ। अब अगर एक और इंजन लूँ जो थीटा टू और थीटा थ्री के बीच में काम कर सकता है, तो इसी रिलेशन नाइन जो इसमें दिखा रखी है, इसी रिलेशन नाइन को मैं सिंपली लिख सकता हूँ। तो इट इज़ क्यू टू बाई क्यू थ्री इज इक्वल टू वन माइनस एफ थीटा टू बाई इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा टू बाई थ्री था, जो आपका स्लाइड में दे रखा है कैपिटल एफ, यहाँ एक स्मॉल एफ है और एक कैपिटल एफ है। अगर वही इंजन में सपोज करूँ कि थीटा वन और थीटा टू के बीच में काम कर रहा है, यानी थीटा वन इज़ ग्रेटर देन थीटा थ्री, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्यू क्यू वन बाई क्यू थ्री इज इक्वल टू एफ थीटा वन बाई थीटा वन थीटा, फंक्शन ऑफ इट इज़ अ कैपिटल ऑफ फंक्शन ऑफ थीटा वन एंड थीटा टू। अब ये दो इक्वेशंस को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा एफ। तो हम अगर इसके इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो एफ थीटा वन थीटा थ्री इज इक्वल टू एफ थीटा फंक्शन ऑफ थीटा वन थीटा टू इंटू फंक्शन ऑफ थीटा टू थीटा। अब हम इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें कहीं भी थीटा टू नहीं आ रहा, और राइट हैंड साइड में थीटा टू आ रहा है। इसको हटाने के लिए हम ये चाहते हैं कि थीटा टू हट जाए, तो थीटा टू हट जाए तो मैंने इसको एक और किसी और फंक्शन फाई के रूप में ले सकता हूँ, यानी एफ थीटा वन थीटा टू इज इक्वल टू फाई थीटा वन अपॉन फाई थीटा टू, और इसी तरह एफ थीटा फंक्शन ऑफ इज इक्वल टू फाई थीटा टू और थीटा थ्री, वे जहाँ फाई कॉपन एक अननोन फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अब इसको, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा अगर इनके रूप में लिखूं तो जैसे मैं इन्हें स्लाइड में लिख रखा है ऐसे लिख सकता हूँ थीटा वन थीटा टू एफ थीटा वन थीटा टू, और ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये मानते हैं कि थीटा वन थीटा टू से ग्रेटर है, तो इसके मतलब है कि क्यू वन इज़ ग्रेटर देन क्यू टू, यानी द फंक्शन फाई थीटा वन इज़ ग्रेटर देन फाई थीटा टू। इसका मतलब है कि ये फाई थीटा वन एंड फाई थीटा ये टू, ये सिंपल किसी एक एक, एक थीटा वन और थीटा टू एक फंक्शन ऑफ थीटा का लीनियर फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैं टेम्परेचर के मापने के काम में ले सकता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि क्यू वन बाई क्यू टू इज इक्वल टू टू वन बाई टू टू, और इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डिफाइन करती है, केल्विन एब्सोल्यूट स्केल ऑफ
टेम्परेचर। अब अगर हमने एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया, ये जो हम स्केल में लिख सकते हैं कि जैसे जो उसकी एफिशिएंसी आएगी वो मैं इसको एफिशिएंसी के रूप में लिख सकता हूँ। अगर मैंने इस केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर को डिफाइन कर दिया तो नेचुरली मेरे को इसका एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कब होता है। तो वो हमारे उसी से एफिशिएंसी के इक्वेशन से चलते हैं, तो टी एफिशिएंसी इज़ वन माइनस थी क्यू टू अपॉन क्यू वन इज इक्वल टू वन माइनस टू टू अपॉन, अगर हमें थीटा टू टू ज़ीरो चाहिए तो इसका मतलब है मैं ज़ीरो पुट करता हूँ तो एफिशिएंसी ईटा बिकम्स ज़ीरो, एफिशिएंसी बिकम्स ज़ीरो दस नहीं एफिशिएंसी बिकम्स सॉरी वन एफिशिएंसी बिकम्स वन, और अगर मेरे को एफिशिएंसी वन चाहिए तो इसका मतलब है तभी टू ज़ीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि द टेम्परेचर जो सिंक का जो टेम्परेचर है जहाँ पे एफिशिएंसी वन हो जाती है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, और उसको हम कहते हैं जहाँ पे रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी वन हो जाए दैट पॉइंट इज द एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ टेम्परेचर ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू टू इज इक्वल टू, और ये हम ये एक चीज़ और कह सकते हैं क्योंकि टू टू कैनॉट नेवर बी नेगेटिव, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाए अगर इसके टू टू के ज़ीरो नेगेटिव से ज़ीरो और जाएगी नहीं, क्योंकि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर नेगेटिव साइड में भी चला जाए अगर जाता है तो सपोज इट बिकम्स माइनस एम तो एफिशिएंसी बिकम्स वन प्लस एम बाई टू, और वन प्लस एम बाई टू मीन एफिशिएंसी ईटा बिकम्स ग्रेटर देन वन विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एफिशिएंसी ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन एक से ज़्यादा हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ केल्विन स्केल का एब्सोल्यूट ज़ीरो वो ताप है जिस ताप पर रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी वन हो जाए। अब ये भी बता सकते हैं कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है कि हम कभी भी अटेन नहीं कर सकते वो, क्योंकि उसके कैलकुलेट करने के लिए एफिशिएंसी का मतलब 100% के लिए कि सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो होना चाहिए, बट हमारे पास ऐसा कोई भी इंजन नहीं है जो बिना सिंक को कुछ या ज़ीरो आ जाए, कि ऐसा कोई भी नहीं है जहाँ में सिंक का टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें मिल जाए, इसलिए हम ये एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं आ सकते। और यही थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को नेरस थ्योरम भी कहते हैं, और नेरस थ्योरम कहते हैं कि एंट्रोपी चेंज किसी भी आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस कम इस तभी होगा जब उसका टेम्परेचर रिड्यूस टू एब्सोल्यूट ज़ीरो, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये कह रहा है कि इट इज़ इम्पॉसिबल हाउ कितना भी आइडियल हम मैटर ले लें कि ड्यू कि उसकी एंट्रोपी या उसके एब्सोल्यूट ज़ीरो पर हम पहुंच जाएं। और ज़ीरो पॉइंट एनर्जी वो होगी जहां हम सारे मोशंस या सारी मोशन ज़ीरो हो जाएँ, जो भी मोशन है और सारे ज़ीरो हो जाएँ, कि काइनेटिक एनर्जी हर एक उस मॉलिक्यूल या मास की ज़ीरो हो जाए विच इज़ मास पॉसिबल। तो दिस इज़ ज़ीरो पॉइंट एनर्जी एर इट इज़ ऑब्टेंड ओनली एट एब्सोल्यूट ज़ीरो। थैंक यू वेरी मच।